हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अशोक लेलैंड BS4 गाड़ी स्टार्ट अगर नहीं होता तो बहुत सारा कारण हम बताए थे। ये देखिए, चाबी हम दिए हैं आपके सामने, मीटर में लाइन है, कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। बैटरी का तार पार सब कुछ ठीक है। इधर आपको फ्यूज़ बॉक्स में आया, फ्यूज़ बॉक्स में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसमें आपको पढ़ पढ़ के आप अपना तरीके से पूरा फ्यूज सब देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये रिले में देखिए, पहले से एक मिस्त्री तार लगा के रखा था, तो इसको छुड़ा के हम एक बार लगा के देखते हैं काहे के लिए ये वाला रिले टिक टिक करके आवाज़ हो रहा है, मगर स्टार्ट नहीं हो रहा है, सेल्फ में लाइन ही नहीं जा रहा, ठीक है। ये देखिए, ये वाला तार था। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये देखिए, इसको लगा दिए, लाइन ऐसी की वैसी है, मगर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रहा है, देखिए, ठीक है। और ये देखिए, अंदर में तार घिस के कट गया, और ये ब्लू वाला तार कटा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इसको तो चेक करना होगा, तो आप लोग देखते रहिए क्या चीज़ के लिए स्टार्ट नहीं हो रहा है और कैसे इसको करेंगे हम, आप देखते रहिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपना दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए, मेरा हर फ्यूज़ ठीक है, कोई फ्यूज़ कटा हुआ नहीं है, ये वाला फ्यूज़ भी कटा हुआ नहीं है, मगर प्रॉब्लम मेरा यहीं पे है, आप लोग का सामने ही करेंगे, ठीक है। क्या चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है आपको हम दिखा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो देख लिए, 1 2 3 4 5 6 नंबर रिले, ठीक है। तो गाइस, आपको सबसे पहले ये तार लेना होगा, उसमें बल्ब लगा हुआ रहेगा, और 8-3 और करंट चेक करना होगा, ठीक है। ये देखिए, ये फ्यूज़ में 8-3 नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें मुझे अलग से 8-3 देना होगा। देखिए, 8-3 अलग से दिए तो स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसका मतलब वो जो तार कटा है ब्लू वाला, वो तार, अच्छा उसको मैं आपको बाद में बता दे रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, EDC सब सिग्नल मेरा दे रहा है, ये जो फ्यूज है इसमें से मैं डायरेक्ट करेंगे, देखिए। देखिए, इसमें मैं तार दिया, अब इसका फ्यूज इसमें लगा रहा हूँ, देखो। ये देखिए, इसमें 8-3 दे दिए, ठीक है। आप देखिए, अब स्टार्ट हुआ, ठीक है। देखिए, RPM मीटर उठ रहा, सब कुछ हो रहा, मगर ये किस लिए हो रहा, कहाँ से हो रहा, वहाँ पे जो तार कटा है वो तार 8-3 का ही तार है। ये देखिए, ये जो ब्लू वाला तार कटा हुआ है, एक ब्लू वाला तार 8-3 का तार है, ठीक है। तो इसको मैं जोड़ लेता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करो।